मैं समझदा कि जथेदार साहब का रोल जेड़ा है वो बड़ा अहम है और कौम नू दिशा निर्देश देण दा सरकारां दे जथेदार वो होने चाहिए ने जेड़े जथेदार एक बारी जे कौम नू हुक्म कर देण आदेश कर देण। मैं समझदा कौम नू एक झंडे थले खड़ाना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा भगवंत मान जी जिस तरीके नाल काम करते पए ने, ना उन्होंने सिखी का पता ना कुछ, स्टेज आर्टिस्ट ने, यह स्टेज शो नहीं है। धर्म जेड़ा ना 440 वोल्ट का करंट है, इन्हू हाथ लाण के झटका जरूर लगेगा। लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने एक सुचजे ढंग नाल जिवें मसले हुण पिछले 5-6 महीनियां आए सी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने बड़ी तनदेही दे नाल और मैं समझदा कि ठीक उन्होंने हैंडल किया। अगर वो ऐसी को वग्या करते हैं तो जरूर तलब करना चाहिए। भगवंत मान कोई उत्तों नहीं उतर के आया, वो सिख है, उसको बुलाया जा सकता है। मौजूद हैं श्री अकाल तख्त साहब, तो दस दिए कि मनजीत सिंह जीके भी विशेष तौर के उत्ते सिंह साहब जी की ताजपोशी के मौके पहुंचे ने, तो तस्वीर तारना सीधिया साझा कर रहे हैं श्री अकाल तख्त साहब तो। तुम वेख सकते हो कि मनजीत सिंह जीके इतने पहुंचे हुए ने, तो गल करते उन्होंने नाल। मैं उन्होंने बधाई देन आया जी, मैं उन्होंने नाल शमूलियत करन आया वा। मैं समझदा कि जथेदार साहब का रोल जेड़ा है वह बड़ा अहम है और कौम नू दिशा निर्देश देण दा सरकारां दे उत्ते, जिस किस्म नाल सरकारां दखल करदियां ने, जिवें अज भगवंत मान की सरकार गुरबाणी ते दखल करदी पई है, सेंटर की सरकार किसे होर तरीके नाल दखल करदी है। जथेदार वह होने चाहिए ने जिहड़े जथेदार एक बारी जे कौम नू हुक्म कर देण आदेश कर देण। मैं समझदा कौम नू एक झंडे थले खड़ाना चाहिए। जो गुरु साहब वालों बख्शे सिखी स्वरूप का मजाक उड़ाया गया विधानसभा दे विच, दाणा प्रकाश करन नू लै के, देखो इसलिए मैं कह रहा भगवंत मान जी जिस तरीके नाल काम करते पए ने, ना उन्होंने सिखी का पता ना कुछ, स्टेज आर्टिस्ट ने, यह स्टेज शो नहीं है। धर्म जेड़ा ना 440 वोल्ट का करंट है, इन्हू हाथ लाण के झटका जरूर लगेगा, यह स्टेज शो नहीं है। मैं समझदा वा कि यह SGPC का प्रेरोगेटिव है, लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने एक सुचजे ढंग नाल जिवें मसले हुण पिछले 5-6 महीनियां आए सी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने बड़ी तनदेही दे नाल और मैं समझदा कि ठीक उन्हां नू हैंडल कीता है। जे सिंघां नू छुड़ाउण दी गल होवे, पुलिस दे नजायज धक्के दी गल होवे, उन्हां दा स्टैंड ठीक सी। चुनौतियां की नजर आ रही है, देखो जिहड़ी सरकारां वल्लों दखल अंदाजी की जा रही है साडे धार्मिक मसलियां दे विच, गुरु घरां दे विच, मैं समझदा कि यह वड्डी गल है, बंदी सिंघां दी गल है। साडे गुरु घर ने जिहड़े भावें वह हरिद्वार साहब हरिद्वारा वाले होवे, ज्ञान गोदरी साहब, भावें डांगमार साहब होवे, भावें मेघालिया दे विच सिखां दा मसला होवे, बाहर वसदे सिखां दी गल होवे, पंजाब दे विच बड़े इशूज ने जिहड़े देखण दी गल है। सो इसलिए जथेदार साहब का रोल अहम है, जिदा मैं अगे किया कि किसे धर्म दे मुखी कोल नहीं हैगा किसे नूं तलब कर सके, सिर्फ जथेदार अकाल तख्त है जिहड़े अपने कौम दे किसे भी शख्सियत नूं तलब कर सकदा है। और यह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह तो लैके वड्डे वड्डे महाराजे या प्रधानमंत्री भी इत्थे तलब हुंदे रहे हैं। मैं समझदा यह मेरा काम नहीं है, यह जथेदार साहब का काम है कि अगर वह ऐसी को वग्या करते ने तो जरूर तलब करना चाहिए। भगवंत मान कोई उत्तों नहीं उतर के आया, वह सिख है, उसको बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिवें तुसीं देखा कि मनजीत सिंह जीके इत्थे मौजूद सन। जीके साहब एक चीज़ हो रहा कि जिस दिन 16 जून वाले दिन एग्जैक्टिव की मीटिंग होंदी है, 10 मिनट के फैसला निकल के आ जाता, तो कई मैंबरों वालों इतराज भी जताया जाता कि एको नाम अनाउंस कर जी। तुसीं जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट की गल करते हो, देखो यदा विधि विधान होना चाहिए, विधि विधान जिहड़ा हैगा नहीं है SGPC कोल, यह बनाना चाहिए। जथेदार साहब के उत्ते किसी किस्म का कुंडा या किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। तुसीं समझदे हो कि जो उन्हां दा विरोध जताना मैंबरां दा वह जायज है? हरेक अपनी अपनी राय रखने की लोड़ है, पर जिहड़ी गल मैं कही है कि जथेदार साहब की अपॉइंटमेंट प्रमोशन जो भी गल है, यह सारा एक विधि विधान होना चाहिए। बिल्कुल, जिवें तुसीं देखिया कि इस मनजीत सिंह जीके ते उन्हां वल्लों विशेष तौर ते अपनी राय भी दित्ती गई है, ते नाल उन्हां वल्लों कहा गया कि कोई भी अगर कौम दे खिलाफ जांदा है, अगर कौम दे खिलाफ कोई भी कोई टिप्पणी देंदा, कोई गल करदा है, तो उस दे उत्ते जरूर सिंह साहब जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं उन्हां नूं जो है उन्हां दे उत्ते कार्रवाई बनदी कार्रवाई करनी चाहिए, ते मौके दे उत्ते जो श्री अकाल तख्त साहब ते तलब भी करना चाहिए। कैमरामैन संदीप कुमार दे नाल अक्षय सुनक, जगबानी TV अमृतसर।